एक रहमान है और मैं समस्तीपुर नगर परिषद उपसभापति के इस पर हूँ, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 3 से, और जनता दल यूनाइटेड में जिला अध्यक्ष हूँ नगर निकाय प्रकोष्ठ का। तो सर, जनता दल यू में है, आप सरकार में हैं, तो आप जान ही रहे होंगे कि धरना का मुख्य बिंदु क्या है। 5 जो मुख्य बिंदु है उस पर जो अभी धरना चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और सरकार को कैसे इसके लिए जवाब तलब करेंगे या कैसे इस प्रशासन को भेजेंगे इसके बारे में? तो मैं क्रम में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अक्षय कुमार जी प्रदेश सचिव है भारत सत्याग्रह आंदोलन के, वो हुए, सुमन कुमार शर्मा जी हुए संस्थापक अध्यक्ष हैं इसके, राजीव कुमार सिंह जी हुए जो RTI कार्यकर्ता हैं, और जो 5 सूत्री मांग है जो लोग गए हमारे पास तो अपनी बात रखे कि इस तरह का कुछ भ्रष्टाचार का मामला है, RTI कार्यकर्ता के द्वारा जो उजागर हुआ है उसके लिए हम लोग धरना देने जा रहे हैं। तो हमने इसका दायित्व तो अपना समझा, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण हम वस्तु विषय पर आकर के वस्तु स्थिति को देखें, खुद जाकर के देखें। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें है, कहीं गड़बड़ी तो है, लेकिन अब कहाँ गड़बड़ी है नहीं है इसकी तो जाँच कराने के बाद ही कोई बात सामने आएगी। तो सर, इसके लिए तो प्रशासन है, जांच अधिकारी है, तो उस तक तो बात पहुंचनी चाहिए और पहुंची भी है। 2017-19 से मामला ये चल रहा है, 17-19 तक का मामला है ये, तो अभी तक इतना देरी क्यों हो रहा है? देखिए, देरी होने का कारण है कि जब हम लोगों के संज्ञान में आएगा, सरकार के संज्ञान में आएगा, नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इस बिंदु को मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा, बिंदु से उनको अवगत कराऊँगा जो जो इनका मुख्य बिंदु है। 5 सूत्री मांग है। तो इस 5 सूत्री मांग के बारे में मैं अवगत करा दूंगा, और सबसे बड़ी बात है लेखा लिपि का स्थानांतरण नहीं हुआ जबकि और जगह होता है, तो ये तो मुद्दा बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको जहाँ तक होना चाहिए जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसका निष्पक्ष जाँच होगा, निष्पक्ष जाँच होने के बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो विधिवत रूप से वो कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय जी को भी लिखेंगे और अपने इससे संबंधित जो मंत्रीगण हैं उनको भी अवगत करावेंगे। ओके, धन्यवाद।